दोनों की समान भागीदारी के बिना असंभव है। साथ ही साथ किसी राष्ट्र के चहुंमुखी विकास हेतु दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं। परंतु एक ओर तो नारी को देवी के तुल्य स्थान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर आए दिन उन पर अत्याचारों तथा दुष्कर्मों रूपी व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक की सुनहरी प्रकृति के दर्शन तक का मौका छीन लिया जाता है। इन्हीं कुछ कारणों से भारत में कन्याओं के हित हेतु लाडली योजना, सबल योजना, धन लक्ष्मी योजना आदि का प्रारंभ हुआ था। इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की। भारत में हो रहे लड़का लड़की भेदभाव कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बेटी बचाओ जीवन सजाओ योजना और उसका महत्व। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। देश में हरियाणा में सबसे कम 1000 लड़कों पर 715 लड़कियां हैं। इसी कारण इसका शुरुआत हरियाणा से हुआ। साथ ही साथ 100 सबसे कम लागुनी पात वाले जिलों का चुनाव भी किया गया। यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में माध्यम केंद्रित कर कार्य किया जाएगा। यह योजना महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संसाधन विकास मंत्रालय को संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना, उनकी शिक्षा सुरक्षा तथा भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना न केवल लड़कियों बल्कि पूरे समाज के लिए वरदान साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, यह योजना महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्मों पर रोकथाम करने में भी सहायक है। इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियां बनेंगी बड़ी अफसर। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। हाँ, तो ये मीनाक्षी 10th क्लास की बच्ची जिसने